आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम फिर से एआरओ का पेपर करने वाले हैं जो हमने कल आधा छोड़ा था। और इस पेपर में हम आने वाले अब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करेंगे। कल पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको मजा भी आया होगा। तो 104 तक या 106 तक हमने क्वेश्चन कर दिए थे, और अब हम इसी 2014 में जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, उसके जो बचा हुआ पार्ट है, जो 100 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा, होप सो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। आप लोग लाइक और कमेंट अपने दोस्त का जरूर शेयर करें, ताकि हम ये वीडियो को ऐसे और वीडियो में आप लोगों के हर पेपर को इसी तरह से सॉल्यूशन करते रहें एक्स्ट्रा पार्ट के साथ, ठीक है ना। तो 106 क्वेश्चन तक आई थिंक हम कर चुके थे। हाँ ठीक है, 107 क्वेश्चन करेंगे। देखो, व्हाट द लॉन्गेस्ट पैरेलल रिवर इन ऑफ द उत्तराखंड, सबको पता है कि काली नदी रिवर है, ठीक है, काली नदी रिवर है जो क्या लेपू लेक टू टनकपुर निकलती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उत्तराखंड की, आपका आपने कहीं भी प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है ना, ओके ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उत्तराखंड का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कब स्टेब्लिश किया था, 2005 में, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट गौरा देवी कहाँ बॉर्न हुई थी, ठीक है ना, बॉर्न यहाँ पे पूछा हुआ है, बॉर्न कहाँ हुई थी, तो आपको पता होगा कि लाता देवी में क्या हुई थी, विलेज में हुई थी। अच्छा, चिपको मूवमेंट जो हुआ था ये कहाँ कौन से हुआ था, तो रैणी गांव से, ठीक है, रैणी विलेज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रैणी विलेज से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका चिपको मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टच द बाउंड्री ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आपका, देखो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक तो पिथौरागढ़ आ गया, एक अल्मोड़ा आ गया, ठीक है, कौन सा आ गया, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, और यहां से आ गया आपका रुद्रप्रयाग टिहरी, ओके, और उत्तरकाशी आ गया, ठीक है ना। तो इसको ढंग से ही बना देते हैं, एक बार मैं आपको ढंग से इसको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा रहा उत्तराखंड, ठीक है, इसी तरह से हम पेन के लिए चल रही है, ओके, ये सपोज हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड में सबसे पहले इधर पिथौरागढ़ टच होता है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के यहाँ पे क्या है, बागेश्वर है आपका, और बागेश्वर के यहाँ पे छोटा सा आपका आता है अल्मोड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है टिहरी, लेकिन बाद में 1997 में रुद्रप्रयाग बन गया था, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया, और यहाँ पे टच होगा आपका क्या, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग के नीचे क्या आ गया, टिहरी, और टिहरी के यहाँ पे ऊपर से क्या आएगा आपका, यहाँ पे से आ गया आपका उत्तरकाशी, और यहाँ पे आ गया आपका देहरादून। तो ये आप कितने टच कर रहा है चमोली, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों से टच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग मैप जरूर बना के देखें, ठीक है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। हु डिक्लेयर द टाइम्स ऑफ द पर्सन 2014, लीव करेंगे सीधे डायरेक्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज कन्फर्म द अर्जुन अवार्ड ऑफ फॉर द 2015 एक्सलेंस ऑफ प्रोफेशन, लीव करेंगे इसको, ठीक है ना, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम द उत्तराखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू रूट फॉर द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज के लिए, कौन से स्टेट ने किया है, ठीक है ना, तो रिसेंटली बोला है इसने, ठीक है, तो उस समय कुछ रहा होगा, न्यूज रही होगी, तो ये वहाँ पे हम लीव करेंगे। रिसेंटली पब्लिश फेमस हिंदी नोबल बनारस टॉकीज, देखो अभी क्या होता है, रिसेंटली लिखा है मतलब उस समय की मूवी थी, लेकिन बनारस टॉकीज आपको याद रखना है, लिखी किसने थी, इनका नाम था सत्याव्यास ने ये लिखी थी, ठीक है, कई बार पूछ ले अगर आपसे, वैसे उस समय ये करंट न्यूज में थी, लेकिन वैसे अगर हम बात करें बनारस टॉकीज, तो सत्याव्यास ने ये किताब लिखी थी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो अब वैसे चेंज हो चुका है, अब कौन होंगे ये, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, अब कौन है, कृष्ण, कौन है आपके, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है। गोरखनाथ कौन सी उसको बिलोंग करते थे, तो ये 15वीं सदी को बिलोंग करते थे, गुरु गोरखनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए, एक बार आप हिंदी में देख लीजिए ताकि आप लोग जुड़ा याद कर पाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांडी मार्च, उत्तराखंड से डांडी मार्च में किसने वो किया था, गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था, तो वो ज्योतिराम किया था। अच्छा, आप लोग बताओगे कितने डेज की थी डांडी यात्रा, आप कमेंट करके बताओगे कितने डेज की थी, ठीक है ना, और कितने लोगों ने की थी, कितने लोग गए थे, ठीक है, हाउ मेनी पीपल्स जिन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट की थी, और कितने दिन तक की ये डांडी मार्च क्या थी यात्रा थी, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तालेश्वर कॉपर, देखो तालेश्वर कॉपर किससे रिलेटेड है, पौरव से रिलेटेड है,
ये लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई दोस्तों, है ना, शायद लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने अगर पेपर सॉल्यूशन कराया तो तालेश्वर, जो तालेश्वर कॉपर थे वो पौरवों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द स्वामी विवेकानंद केम टू द अल्मोड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, ही केम इन 1890, 1890 में आए थे ये, ठीक है, आपके स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में। फिर कुली बेगार प्रथा कब एंड हुई थी, वैसे 1921, 1922 में, कई किसी किसी किताब में 1922 लिखा है और 1921 लिखा है, तो 1921 कहाँ हुई थी, बागेश्वर में हुई थी, ठीक है, बागेश्वर में हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट क्रिश्चियनरी मिशन टू केम टू द इंडिया इज सर थॉमस, सर थॉमस आए थे, ठीक है, याद रखना आप, पहले क्रिश्चियन मिशनरी। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र देखो भरत मुनि ने लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, आपको ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो नाट्यशास्त्र बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी, भरत मुनि ने लिखी थी। शाका एरा कब से स्टार्ट होती है, 1778 AD से स्टार्ट होती है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अकॉर्डिंग टू द मिलिंद पहनो, मिलिंद पहनो हु वाज द बुद्धिस्ट मॉन्ग जिसके साथ, ये देखो ये एक ना क्या बोलते हैं, नागसेना था, तो नागसेना के साथ मिलिंद पहनो की क्या हुई थी, एक डिबेट हुई थी, ठीक है, डिबेट हुई थी और उसका इन्होंने क्या कहा था, एक वर्णन किया था, ठीक है, एक बुद्धिस्ट मॉन्ग था, ठीक है, उस बुद्धिस्ट मॉन्ग के साथ इनका क्या था, डिबेट हुई थी और उसी में उन्होंने मिलिंद पहनो में पता चलता है, उस किताब, ये किताब है, ठीक है, एक बुक है जिससे पता चलता है कि बुद्धिस्ट मॉन्ग का जो था वो नागसेना के साथ क्या था, डिबेट हुई थी, और कौन सी बुक में मिलती है, उस बुक का नाम है मिलिंद पहनो, ठीक है, इस चीज को याद रखना। मंदसूर प्रस्थिति, मंदसूर प्रस्थिति किससे रिलेटेड है, तो वसूल से रिलेटेड है, हरिश्रेणी से, कौन सी अगर मैं पूछूं कौन सी वो याद है, तो प्रयाग प्रस्थिति, ठीक है, प्रयाग प्रस्थिति, ठीक है, प्रयाग प्रस्थिति आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्थिति, वो हरिश्रेणी से रिलेटेड है। और मंडेसू प्रस्थिति किससे रिलेटेड है, वसूल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। तिलारी कांड, तिलारी कांड उत्तराखंड का जब जो सेशन चल रहे थे वो, लेकिन उसमें कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, ठीक है ना, व्यूज कोई देख ही नहीं रहा है उस वीडियो को, ना कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें एक कमेंट भी नहीं आ रहा कि आपको पसंद आई नहीं आई, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वो वीडियो छोड़ दी थी, लेकिन जो तिलारी कांड था उसमें मैंने मेंशन किया था, बताया भी था कि ये कब हुई थी आपकी, 1930 में हुई थी, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट अगर आपसे, वो कब हुई थी आपकी, 30 मई 1930 को हुई थी, ठीक है। चीफ सीआईसी, हु वाज द फर्स्ट सीआईसी, पहला पूछ रहा है, ठीक है ना, पहला सीआईसी कौन था हमारा, इसका उत्तराखंड का, ठीक है, तो कौन है वो, आर एस टोलिया जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हिंदी वाले देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर इन उत्तराखंड, ये मैंने जो उत्तराखंड की वीडियोस बनाई थी उसमें मेंशन भी किया था, 3 होती हैं, ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा के लिए कितनी है, 5 है, ठीक है, और उत्तराखंड में गवर्नर कितने उसको नॉमिनेट कर सकता है, एक बंदे को नॉमिनेट कर सकता है, टोटल सीट कितनी है, 70+1, ठीक है, 71। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ द उत्तराखंड हैज ट्रेड विद द तिब्बत बिफोर द इंडो चाइना वॉर 1962, तो वो कौन है, भोटिया। अब भोटिया कैसी प्रजाति है, भोटिया प्रजाति है जो मातृ सत्तात्मक होती है, मातृ सत्तात्मक मतलब माता का, जैसे पिता हम बोलते हैं ना, पिता से रिलेटेड पितात्मक, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे क्या मातृत्व होती है कि माता का लेना देना होता है, ठीक है यहाँ पे, और ये पहले क्या करते, तिब्बत के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। राज्य कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में होती है, पिथौरागढ़ में होती है। जौनसारी कहाँ पे, ये देहरादून की ट्राइब है, ठीक है, इनके जो फेमस देवता है वो महासु देवता, और दूसरा जागर नाम का मेला भी होता है यहाँ पे, जागर नाम का, ठीक है। भुक्सा भी क्या एक ट्राइब है, राजी ट्राइब, जौनसारी ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटबर्स्ट ऑफ द विच ऑफ द लेक ताल कॉल द केदारनाथ में जो डिजास्टर आई थी आपकी 2013 में, वो कौन सी ताल पे था, उसका नाम था चौबारी ताल, ठीक है, इसको चीज को याद रखना, चौबारी ताल की जो लेक थी वो टूट गई थी और जिससे वहाँ पे भारी भारी की आई थी, बहुत ज्यादा आपको पता है डिजास्टर, भयंकर वाले डिजास्टर आए थे, कई लोग उसमें क्या हुए थे, मरे थे, ठीक है। नेम द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर जिसने क्या किया था, प्योर अरेबिक क्वाइन को यूज किया था, इसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है, शासुद्दीन उल्तुतमिश। उल्तुतमिश ने और क्या काम किया था कि भाई देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसने अपनी क्या की थी, स्लेव डायनेस्टी की क्या थी, नींव डाली थी, 1210 में इसकी डेथ हो गई थी, 1210 में बाद जो बना था वो कौन बना था, इल्तुतमिश बना था। और इल्तुतमिश ने क्या कहा था, एक तो चालीगान का क्या कहता निर्माण किया था, ठीक है, चालीगान का निर्माण किया था। दूसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुब मीनार की क्या की थी, नींव रखी थी, लेकिन ये बना नहीं पाया था, तो उसको पूरा किसने किया था, तो 3 मंजिलें 3 स्टोरी बनाई थी किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे करके ना
क्या बोलते हैं वेदर इफेक्ट के कारण बिजली गिरी, उसमें 3 मंजिलें टूटी थी, फिर उसका रिनोवेशन करके उसमें 5 मंजिल किसने बनाई, 2 मंजिलें और स्टोरी किसने बनाई थी, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिलें चढ़ाई थी, 3 मंजिलें तक किसने बनाया था कुतुब मीनार, बाकी अगर आपसे पूछा जाता है 2 मंजिल और किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, याद रखना ठीक है। और कुतुबुद्दीन के वक्त कब मरा था, 1210 में मरा था, इसको ही लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श, ठीक है लाख बख्श। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, बैराम शाह कौन था, ये अकबर का मुंह बोला पिता बोल सकते हैं या सेनापति था उस समय का, ठीक है, जिसने लड़ाई लड़ी थी बैटल पानीपत के दूसरी। ठीक है, विच ऑफ दी लैंग्वेज हायर एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल एम्पायर, सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, विच ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा, कौन सा दिल्ली सल्तनत का किंग था, रूलर था, जिसने खुद को खलीफा किया था। ठीक है, उसका नाम है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। फिर कहते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तरीका ए शहंशाह, शेरशाही, शेरशाही किताब को किसने लिखा था। ठीक है, तो इसका नाम है अब्बास शेरवानी ने लिखी थी। ठीक है, तारिक ए शेरशाही, ठीक है, तारिक ए शेरशाही। सिकरी वाज नेम द फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी दोबारा से कब पड़ा था, तो इसका नाम है आपका गुजरात, गुजरात के जब सीधा था तब जाके फतेहपुर ही था, और इसने एक बुलंद दरवाजा ही बनाया था, बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री डज नॉट हैव द अथॉरिटी, देखो इंडियन पार्टी के पास किसकी अथॉरिटी नहीं होती, इंडियन पार्लियामेंट के पास, वो किसकी होती है, न्यू प्रपोज न्यू टैक्सेस, न्यू टैक्सेस कौन लगाता है, जो गवर्नमेंट उसमें होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली हैज अ 6 ईयर टर्म, किसकी थी, जम्मू कश्मीर की, अब तो ये खत्म हो चुकी है, हटाइए इसे, ठीक है ना, तो आर्टिकल 370 रिवोक हो चुका है और वहां पे बन चुका है, तो अभी आपको याद रखना है 28 स्टेट है हमारे पास और 8 UT है, ठीक है, 8 UT है, जो दादर नगर हवेली थी ना उसको भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ, ये हिंदी वाला देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर किसमें है, तो बाइकैमरल मतलब दो है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव आपकी काउंसिल भी है, ठीक है, LCB और LAB है, ऐसे कितने स्टेट हैं, तो टोटल 7 स्टेट हैं, ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर हट गया है, ठीक है ना, तो अब 6 हो जाएंगे, तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, इनमें है वेस्ट बंगाल, ओके ठीक है ना, ओके। तो अभी आपने सुना भी होगा जब वेस्ट बंगाल थी ना ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी आपको पता है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वहां से हार गई थी, तो ये चाह रही थी कि वहां पे क्या बन जाए, LC बन जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाए, तो वहां पे जाके क्या बन जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर का हिस्सा बन जाए और फिर आपका चीफ मिनिस्टर बन जाए, ठीक है ना, तो ममता बनर्जी का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ऐसे कितने स्टेट हैं, अब 6 स्टेट हैं, पहले कितने थे, 7 थे क्योंकि जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर हट चुका है, अब कितने स्टेट हो गए, तो अब 6 स्टेट हो गए, कौन कौन से, एक तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन चीजों को याद रखना, ठीक है, ये 6 स्टेट। द फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाली गई थी, है ना, तो देखो दो चीजें याद रखना, एक तो 42 अमेंडमेंट में आया था कि 10 यहाँ पे 10 आपकी क्या थी फंडामेंटल ड्यूटीज की डाली थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, 42 अमेंडमेंट में, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 10 आपकी फंडामेंटल ड्यूटी डाली थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, और जो 11वीं आपकी जो 11वीं डाली गई थी वो कौन सी डाली गई थी, 86 अमेंडमेंट में डाली गई थी, तो 86 अमेंडमेंट ऑफ 2000 का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, और इसी 86 अमेंडमेंट में क्या था, 21 आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन भी डाला गया था, ओके जेंटलमैन। चलो आगे चलते हैं, 140 क्वेश्चन करते हैं, 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैड बीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा भी रह चुके हैं, उनका नाम है नीलिमा संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, ये आपके याद रखना है इनका नाम। यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया था, हेनरी विविन डेवरोजी ने चलाया था, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बहुत अच्छा है। हु रोट द बुक बंदी जीवन, बंदी जीवन बुक किसने लिखी थी, ठीक है, तो इनका नाम है सचिंद्रा नाथ नयाल सेनाल ने लिखी थी ये किताब, ठीक है। अभिनव भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिनव भारत किसने लिख किया था, इसका जो हु फाउंडेड द अभिनव भारत, इसका नाम VD सवारकर ने किया था, ठीक है, ओके ध्यान में रखना। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, सभी को पता है कि वाइसराय, सबसे पहला वाइसराय कौन था, है ना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1858 के बाद, 1857 की क्रांति में भी यही था, और 1858 में पहला वाइसराय भी कौन बना था, यही बना था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था, प्रोविड द सती सिस्टम, सती सिस्टम किसने खत्म की थी, क्या बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी 1828 में, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था आपका,
ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, और ये बेसिकली यही सती प्रथा के खिलाफ था। और 1828 में जब इसको सहयोग मिला किससे, राजा राम मोहन राय से, तो विलियम बेंटिक ने क्या था 1829 में सती सिस्टम को अबॉलिश किया था। और क्या कहता, ठगों से, ठगों से भी इसने वो किया था, ठीक है, एक रूल निकाला था ठगों से वो करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए। ओके, 146 क्वेश्चन देखते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू टेक इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ द फॉलोइंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। ये सारी प्रोसीडिंग में बैठ सकता है, ठीक है ना, ये लेकिन वोट का अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। तो ये चाहे तो किसी भी वोट किसी भी उसमें जाए, मतलब किसी भी हाउस में जाए, ठीक है ना, किसी भी हाउस में भी जाएगा, कोई सी भी सिटिंग में बैठ सकता है, ठीक है ना, ज्वाइंट सिटिंग हो, ठीक है, या फिर कोई कमेटी हो, नॉमिनेटेड हो, जिसमें वो नॉमिनेट किया गया हो, ये सारी सिटिंग में बैठ सकता है, लेकिन इसके पास कोई भी वोटिंग का राइट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है इधर ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही है, एंड कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट वेर इज नॉमिनेटेड, बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर देते हैं कि 21 से 18 साल में वोटिंग की कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कर दी गई थी, ठीक है ना, ये हिंदी वाले देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द प्रोविजन ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। बेसिकली सेल्फ लोकल गवर्नमेंट आपको पता है कि ये पंचायती राज में आए थे, ठीक है, पंचायती राज, बलवंत राय कमेटी, ठीक है, पंचायती राज, थ्री टायर सिस्टम किसने दिया था, तो बलवंत कमेटी ने दिया था, कौन से आर्टिकल में, 243 में आया था, ठीक है, आर्टिकल 361 क्या है हमारी, और 324 हमारी क्या है, और 368 आपको सबको पता है ये क्या था, अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 360 का यूज करते हैं, 324 में आप, 324 में क्या है आपका, 324 में आपका इलेक्शन है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 361 क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, वो किसी भी कोर्ट में जाके गवाही नहीं देंगे कि उन्होंने जो काम किया है ना उसके लिए, वो किसी भी कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 361 कहता है कि जितने भी वो अपनी पावर, जब वो प्रेसिडेंट ये थे, गवर्नर थे, जब उन्होंने अपनी पावर को क्या क्या यूज किया, तो उस पावर में जो उन्होंने कुछ भी काम हुआ होगा उसके लिए वो कोर्ट में जाके गवाही नहीं देंगे कि मैंने क्यों किया था वो काम, ठीक है। तो ये आर्टिकल 361 कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, किसी भी हाउस में लेकर जा सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। जैसे ही आपको पता होगा कि 370 आर्टिकल पहले राज्यसभा में किया था पास, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, किसने, अमित शाह ने, ठीक है ना, अमित शाह जी ने क्या किया था, आपका 370 आर्टिकल उन्होंने राज्यसभा में किया था, क्योंकि राज्यसभा में इनके पास सबसे पहले क्या थी, कम मेजोरिटी थी, तो चाहते थे कि जल्दी से पास हो जाए लोकसभा, राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा के पास इनके पास मेजोरिटी थी, ठीक है ना, तो किसी भी हाउस में कर सकते हैं, ठीक है। टू हूम अमंग्स द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस लेटर द रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, सबको पता है, बहुत ज्यादा है ना। पुनर्जागरण, रेनेसेंस कहां से स्टार्ट होता है, इटली से स्टार्ट हुआ था, सबको पता है ये, ठीक है, इटली से हुआ था जो पुनर्जागरण, कहां से स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में पुनर्जागरण का उसे किसे माना जाता है, तो वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, क्योंकि 1828 में ही उसने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मार्टिन लूथर किंग कहां से रिलेटेड है, तो मार्टिन लूथर किंग जो रिलेटेड है वो आपका जर्मनी से रिलेटेड था, ठीक है ना। ओके, अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1968 में, बेसिकली ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हुई थी, ये हुई थी आपकी फंडामेंटल राइट्स के लिए हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, और किसके टाइम पे हुई थी, जेम्स टू के टाइम पे हुई थी, ठीक है। एंड हु रोट द बुक द पेरिस द प्रेज ऑफ द फॉली, किसने लिखी थी, इसका नाम था एरेमस, ठीक है, एरेमस ने लिखी थी, बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप लोग याद रखेंगे। मैट्रमिच वॉज अ चांसलर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, चांसलर था किस कंट्री का ये, तो आपको पता होगा कि ये था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, मेट्रनिच, याद रखना, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, रिपीटिव हो सकते हैं। आर्टिकल हिंदी लैंग्वेज कौन से उसमें पूछी गई है, तो वो आपके 343 में, सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश लैंग्वेज होगी कौन सा आर्टिकल में, 348 में, भाई याद रखना। द सैलरी ऑफ द सुप्रीम, द सैलरी ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कैन नॉट कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन, देखो केवल एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है, क्या उनसे 360 आर्टिकल जब इम्पोज होगा तभी जाके उसकी सैलरी को कट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सपोज आज के जो आज का क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट का जज है, आज उसकी सैलरी तुम क्या है 1,00,000 रुपए है, सपोज मान के चलते हैं, ठीक है, कल के दिन तुम कोई भी ऐसा कि सपोज यहाँ हमारी जीडीपी गिर रही है, कुछ हो रहा है, तो कल के दिन आप क्या ये नहीं बोल सकते हो कि भाई हमारी जीडीपी गिर रही है और आपने क्या कर दिया, बोला कि नहीं नहीं अब तो इसकी सैलरी 1,00,000 नहीं, अब इसकी सैलरी हम 50,000 कर देंगे। ऐसा किसी भी केसेस में नहीं किया जा सकता। आप इसकी हर सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी आप बढ़ा सकते हो,
ठीक है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ा सकते हो, लेकिन भले तुम्हारी जीडीपी गिर जाए या तुम्हारे पास कितना भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए, जब तक आप फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा देते थे, आप किसी भी वे में कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ लाकर, है ना, कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ लाकर इसकी सैलरी 1 लाख से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है ना। चाहे कोई भी आपने ऐसा रूल पास ही नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, याद रखना। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास पावर होती है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर भाई इन्होंने ये क्या करेंगे, जो भी अगर सपोज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ निकाला और जाके अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि नहीं ये लॉ अबॉलिश है, नल एंड वॉइड कर क्रिएट कर दिया, तो पार्लियामेंट एक लॉ निकालेगा और सभी जजों की सैलरी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इस वजह से जितने भी जज हैं वो क्या करेंगे भाई, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लॉ पास ही नहीं करेंगे, लॉ पास नहीं करेंगे मतलब उनके लॉ को वो नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में पड़ सकता है। तो बेसिकली यही रीजन था कि जितने भी आपके जो जजेस होते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के हो गए, अन्य कोर्ट के जजेस हो गए, उनकी सैलरी कभी भी आप कम नहीं कर सकते किसी भी वे में, अनटिल अनलेस जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा दी जाती, ठीक है ना। तो याद रखना, आर्टिकल 360 जब तक 360 इम्पोज नहीं किया, तब तक आप किसी भी जज की सैलरी कभी भी किसी वे में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने डी दे रखा है कि कैन नॉट रिड्यूस इन एनी केसेस, ठीक है ना, अनटिल अनलेस इट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब तक आर्टिकल 360 इम्पोज ना हो जाए, तब तक आप सैलरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो एक जजेस की, ठीक है ना। 148, 149 आप हिंदी में देख लीजिए, 150 पॉज करके आराम से देख लीजिए हिंदी वाले बच्चे, ठीक है ना। चलते हैं 158 की तरफ। हु वाज द पावर डिसॉल्व, देखो भाई राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना, इट इज नन ऑफ द, राज्यसभा कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना, डिसॉल्व नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव चुनाव होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चुन के आते हैं, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल में आपके कितने, एक तिहाई मेंबर आपके निकल जाते हैं, ठीक है ना, फिर चुन के आते हैं, फिर निकल जाते हैं, तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। और डिसॉल्व कौन सी होती है, लोकसभा होती है, ठीक है। और डिसॉल्व कौन करता है, इसको प्रेजेंट करता है द फाइनल अथॉरिटी ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन द इंडिया लाइज विद, किसके पास है भाई एक न्यू स्टेट बनाना है, तो पार्लियामेंट के पास है पूरी पावर, ठीक है। द एस्टिमेट कमिटी ऑफ द लोकसभा हैज अ टर्म ऑफ 1 ईयर, तो सबसे लंबी कमिटी कौन सी होती है, ठीक है ना, तो इसमें टोटल सबसे बड़ी कमिटी भी यही होती है ना लोकसभा की, तो विच इज द बिगेस्ट कमिटी ऑफ द लोकसभा इज एस्टिमेट कमिटी, इट कंसिस्ट ऑफ द 30 मेंबर्स, और ये 30 मेंबर्स कहाँ से होते हैं सारे, क्या राज्यसभा से भी होते हैं, नहीं, ये सारे लोकसभा से होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, इसमें एस्टिमेट कमिटी। और इसका इसमें कितने साल का टेनर होता है, 1 साल का टेनर होता है। क्या काम क्या होता है इस एस्टिमेट कमिटी का, कि जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं ना उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको सारा देखना, एस्टिमेट करना कि कितने गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ खर्चा किया। ओके ओके, तो एक और चीज़ याद रखना आपकी, क्या इसमें कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और या फिर कोई कोई भी मिनिस्टर को ना इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता, है ना, इसका कोई भी जो मिनिस्टर्स होंगे वो मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन पाएंगे, पहली चीज। और दूसरा, ना तुम चेयरमैन बना सकते हो इस एस्टिमेट कमेटी का। और एस्टिमेट का काम मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका पूरा हिसाब किताब देखना कि कहाँ खर्च कर रही है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, और 30 मेंबर्स होंगे, और कोई भी मिनिस्टर जो होगा इसका चेयरमैन भी बन सकता है, ना ही इसका मेंबर बन सकता है, पहली चीज। और कमेटी आपने सुनी है, चलो और कमेटी ही बताता हूँ। एक होती है पैक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आपने सुनी होगी, इसमें होता है 22 मेंबर, ठीक है, जिसमें से आप 15 लेते हो कहाँ से, आप लोकसभा से लेते हो, और 7 लेते हो आप कहाँ से, राज्यसभा से, ठीक है, 7 राज्यसभा नॉमिनेट होते हैं और 15 होते हैं। और जो पैक कमेटी का अध्यक्ष होता है ना, पैक कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, वो होता है जो आपकी लोकसभा में अपोजिट पार्टी होती है, अपोजिशन होता है, उसका हेड। तो अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी, है ना। राज्यसभा का कौन है आपका अपोजिशन पार्टी का लीडर, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो पैक कमेटी का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, अधीर रंजन चौधरी होगा। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इसका काम क्या होता है, गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा किया उसकी देखभाल करना, ठीक है, एस्टिमेट का पूरा एस्टिमेशन देखती है और ये पूरा का पूरा खर्च देता है। और जो पैक कमेटी होती है यही इसको गाइड कौन करता है, हु इज द गाइड ऑफ द पैक कमेटी इज कैग, है ना, जो आपका कैग मुर्मू जी है, मुर्मू जी क्या कर रहे होंगे आजकल, मुर्मू जी इनको गाइड कर रहे होंगे पैक कमेटी को, भाई गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है, वो सारा का सारा कौन करता है, कैग इनकी गाइड, पैक कमेटी को गाइड कौन करता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, कहाँ पे करप्शन हुआ। तभी तो बोलते हैं कैग की रिपोर्ट आती है या पैक कमेटी की रिपोर्ट आती है तब आपके करप्शन का पता चलता है ना। कैग क्या करेगा, सारी रिपोर्ट पैक को दे देगा, पैक अपना पूरा एस्टिमेट करेगा सब कुछ, तो याद रखना, ठीक है।
दो कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी, वैसे होती बहुत सारी हैं लेकिन दो कमेटी मेजरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो पहले आपसे पूछी मैंने एक एस्टिमेट कमेटी जिसमें 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से रिलेटेड होते हैं, है ना। और एक होती है पैक कमेटी जिसमें 15 आपके लोकसभा से 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, उसकी गाइडिंग पैक कमेटी की गाइडिंग कौन होती है पूछा जाता है, हु वाज द लाइटिंग और आई ऑफ द पैक कमेटी इज टैग, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना, हुज पैनल एंड फाइनल अथॉरिटी, इसका आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द जापान कौन है, होनसू इसका जापान है, ठीक है ना। द लैंड फॉर्म ऑफ बरखान, बरखान कौन होता है, विंड से बनता है भाई ये, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स होती हैं वो बनती हैं। ओके, स्टेलिसाइट और स्टलगमाइट आर द फाउंड ऑफ द विच रिवर, कौन से रिवर में पाए जाते हैं, तो ये कास्ट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, कास्ट रीजन होते हैं वहां पाए जाते हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा टी का वो कौन है, तो वो चाइना है ना। वैली ऑफ द फ्लावर, वैली ऑफ द फ्लावर कहाँ है ये सबको पता है, चमोली में, चमोली में, ठीक है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का वहाँ पे है। द स्टेट ऑफ द सिक्किम वॉज किस पार्ट में मिला था, तो ये 1975 में था, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट पास करना होता तो कौन सा अमेंडमेंट आया था, 36वां अमेंडमेंट आया था, 36 अमेंडमेंट 1975 में आया था जो, ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा, 36वां अमेंडमेंट पूछे थे, ठीक है। ओके, द डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में है, पार्ट फर्स्ट में आपका इंडिया के बारे में, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 डीपीएसपी, ठीक है, ये आप हिंदी वाले देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया था आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 378 स्पेशल स्टेशन देता है स्टेट को जो कि अबॉलिश हो चुका है। Under the which of the Indian Constitution is not incorporated with the state shall take a step to separate judiciary from the executive in the public service of the state, Article 50, ठीक है, DPSP का last part है ये, ठीक है, last part में आपको पता होना चाहिए, 51 में आपका जुड़ा था, 50 में है, ठीक है। Which of the which article of the Indian Constitution, अच्छा जो Article 39 है ये क्या है, Article 39 है ना जो, ये आपके labor law से related बहुत important है, आर्टिकल 39, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, आर्टिकल 54 यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच ऑफ दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडियन एज अ यूनियन स्टेट, ये पहला आर्टिकल ही आपका बोलता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उत्तराखंड वाली, उसमें मैंने बताया था ये आपकी स्टेट बाउंड्री एंड नेम से रिलेटेड होता है। विच ऑफ द रिवर डज नॉट फ्लो इन द साइबेरिया, नाइन नदी अफ्रीका में बहती है, सबको पता है भाई ये तो हो ही सकती है, नाइन नदी अफ्रीका में, साइबेरिया कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है, यूरोप का हिस्सा हो गया, नीचे ये अफ्रीका, नाइल नदी अफ्रीका में बहती है, तो दिमाग की लड़ाने वाली बात थी केवल, ठीक है। नाइजीरिया, देखो नाइजीरिया के जो कैपिटल है ना दोस्तों, है ना, सबसे पहले सी का दूसरा बना दो, सी का दूसरा है तो सी का दूसरा एक इसमें एक इसमें, तो ये ऑप्शन कट, इसको काट देते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये कट, ये भी काट देते हैं। अब बचाइए देखो, या तो ए का 4 होगा, ए का 4 डोडोमा, है ना, या फिर ए का 3 होगा, ए 3 का अजूबा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट एक कैपिटल और पता होना चाहिए, ठीक है ना, या तो आपको साउथ सुडान की पता हो, साउथ सुडान की जूबा, ठीक है ना, या तो जूबा है और या तो फिर नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ना आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि जब दो ऑप्शन कट गए ना उनमें देखो कि कॉमन कॉमन क्या था। तो देखो बी का 1 यहाँ पे एक बार कॉमन है, बी का 1 यहाँ पे कॉमन, सी डी का 4 कॉमन है, डी का 4 कॉमन, इसका मतलब क्या है, है ना, कि जब पहला ऑप्शन का तो डी का 4 ही होगा, ठीक है ना, या फिर बी का 1 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो बी का 1 अगर मैं टिक कर दूँ ना कि मैं कहता हूँ सुडान की जूबा होती है, ठीक है, और सी का दूसरा है, ए का तीसरा मैं कर दूँ नाइजीरिया की अजूबा और तंजानिया की डोडोमा, तो यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कॉमन क्या है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के पेपर में बैठ रहे हो तो आपको वहाँ पे इस तरह का भी नहीं, इस तरह से भी नहीं मिलेगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 मिल रहा था, यहाँ पे 4 मिल रहा था, कॉमन कॉमन ना, दो दो बार रिपीट हो रहे थे, इस वजह से यूपीएससी में ऐसा नहीं मिलता, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है, आपको एटलीस्ट 2-3 पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस कौन करता है, तो आपका आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। मलक्का स्टेट कहाँ है, मलक्का स्टेट है इंडिया और मलेशिया के बीच में पड़ती है, ठीक है, ये मलक्का स्टेट बहुत फेमस है ये, ठीक है, इसी की वजह से चाइना को बहुत दिक्कत होती है मलक्का स्टेट की वजह से, अगर इंडिया चाहे तो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देगा और वहाँ पे चाइना की बैंड बच जाएगी, तो इसलिए मलक्का स्टेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 2012 इन वीट, 2012 में कौन था, तो इसका आंसर वैसे चाइना होगा, ठीक है ना, वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस चाइना में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी वाले के लिए एक बार देख लीजिए हिंदी वाले, ठीक है ना, पॉज करके देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द नंबर सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड इन द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। देखो कंप्यूटर दो ही चीजों में, जीरो और वन में काम करता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो इट बाइनरी नंबर, ठीक है, बाकी और है कन्वर्जन के लिए होती है, लेकिन बाइनरी नंबर कंप्यूटर बाइनरी समझता है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल हम अपने हिसाब से समझते हैं, ठीक है। एम एस ऑफिस क्या है? एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी को करता है बेसिकली हमारे काम करने में हेल्प करता है। रैम इज अ, रैम क्या है बताइए? रैम देखो भाई, सबसे जो रैम है वो क्या है एक, ठीक है। रैम क्या है देखो, तो मैं समझा देता हूँ। देखो दो तरह की मेमोरी होती है, ताकि आपका ना दिमाग आज आपको दिमाग ढंग से ठीक हो जाएगा। एक होती है रैम और एक होती है रोम। रोम क्या होती है? एक परमानेंट मेमोरी होती है ना, जो चीज़ आपने कंप्यूटर में रखी है, कंप्यूटर खोलोगे तो वही चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी। लेकिन रैम क्या होती है? ये एक टेम्प्ररी मेमोरी होती है। टेम्प्ररी मतलब आप कुछ फंक्शन कर रहे हो तब वो तब तक वो मेमोरी में स्टोर होता रहेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करोगे ना वो मेमोरी से हट जाएगा, ठीक है। तो वो रैम क्या होती है? आपकी टेम्प्ररी मेमोरी है। रोम क्या? आपकी परमानेंट मेमोरी है। फिर दूसरा क्या है? ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब चेंज होना, कि हर समय चेंज होती रहेगी मेमोरी, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स मेमोरी रहेगी और ये मेमोरी ही रहेगी। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो कहीं पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, कहीं पे नहीं कम प्रेशर पड़ेगा। आपने कंप्यूटर खाली छोड़ा है तो कम प्रेशर पड़ रहा है कंप्यूटर रैम पे, ठीक है ना। आपने बहुत सारे तीन चार एक साथ ऐप खोल दी, तीन चार ऐपों में क्या होगा, अलग अलग चलेगा। तो ये क्या होती है? वॉलेटाइल होती है, चेंजेबल होती है, हर समय चेंज होती रहती है। तो इसे बोलते हैं वॉलेटाइल, मतलब चेंज होना, और टेम्प्ररी मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर बंद करोगे तो बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्प्ररी मेमोरी और हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे एक हो जाएगी नॉन वॉलेटाइल हो जाएगी रोम। रोम क्या हो जाएगी? नॉन वॉलेटाइल। आज से ही आपको हमेशा याद रहेगा कि रैम क्या होती है? टेम्प्ररी में होती है, कंप्यूटर बंद करोगे तो चली जाएगी। रोम क्या होती है? कभी कंप्यूटर बंद करोगे नहीं जाएगी। ऊपर से रैम में काम करते रहो तो अलग अलग चेंज होती रहती है, बंद छोड़ दोगे कोई भी काम नहीं करोगे तो रैम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो वॉलेटाइल होगी, चेंज होती रहेगी, और इसमें रोम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो इट्स ऑप्शन ए। साइज ऑफ अ निबल, एक निबल में कितना होते हैं? देखो एक निबल होती है कितने उसकी, है ना, ठीक है। एक निबल के अंदर दिया 8 बिट्स की, सॉरी 4 बिट्स की, ठीक है, 4 बिट्स की होती है हाफ निबल। विच ऑफ द स्टोरेज सबसे ज्यादा होता है? देखो सबको पता होगा 1 KB, किलोबाइट, 1 GB, 1024 MB, ठीक है, 1024 मतलब क्या होता है, देखो वहाँ पे MB होता है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, ठीक है, और 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 क्या बोलते हैं GB, और 1 PB पेटाबाइट की होती थी 1024 ऑफ TB। तो ये एक पेटाबाइट सबसे बड़ी हो गई आपकी, ठीक है। नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? सबको पता है आपकी कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन रेखा चाइना के साथ है हमारी। इंडिया विच प्रेरियर प्रेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? केरला में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व? सबसे ज्यादा कोल रिजर्व कहाँ है? मैंने आपको बताया भी था 183 में कि झारखंड में, और झारखंड में कौन सा प्लेस है? झारिया, ठीक है, याद रखना झारिया एक ऐसा प्लेस है जिसमें सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग प्लेसेस किरकुक, मोसल और बसेरा, ठीक है, ये कहाँ, किसकी कंपनी है? ये सबसे फेमस कंपनी है कहाँ की? इराक की है, ये सबसे फेमस है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इराक की, ठीक है। रावल काली सेपरेट करता है किसको? उत्तराखंड को किससे? नेपाल से लग करता है, ठीक है। और काली रिवर उत्तराखंड में सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखना। फिर आपसे ये थोड़ा सा हिंदी वाले देख ले, पॉज कर लेना, ठीक है। नेम ऑफ द गिवन एप्लीकेशंस दैट कंबाइन टेक्स्ट, कंबाइन करता है, साउंड को करता है, ग्राफिक को करता है, मोशन को करता है, वीडियो एनिमेशन सबको इनको करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? जितनी सारी चीज़ें क्या करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया, कि सारी चीज़ें, सारी मल्टी और मीडिया, बहुत सारे मीडिया को एक साथ कर देता है तो उसे मल्टीमीडिया, ठीक है। विच टाइप ऑफ मेमोरी डज नॉट लूज इस कंटेंट? देखो अब आगे ना, कि कोई भी मेमोरी कंटेंट लूज नहीं करेगा, कंप्यूटर ऑफ कर दोगे तो आगे देखो जो मैं आपको बात समझा रहा था, तो कौन होगा? रोम, है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपनी मेमोरी बिल्कुल नहीं खोएगा, कौन हो गया? रोम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? कौन होता है? कंपाइलर। कंपाइल क्या करता है? देखो आप लिखते हो, मैंने लिखा व्हाट, तो अब मशीन थोड़ी समझ पा रही इस वर्ड को, तो वो क्या करेगी? 0101 के कोड में इसको कन्वर्ट करेगी, जो मशीन समझेगी, फिर मशीन मुझे रिस्पॉन्स करेगी, फिर कंपाइलर इसको कंपाइल करके फिर से मुझे इसी भाषा में लिख के दे देगा कि व्हाट का ये लिखा हमने, तो ये आ जाएगा कंपाइलर, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी किस में होता है? देखो ओओपी क्या होता है? एक एडवांस टाइप की क्या होती है? लैंग्वेज होता है। जैसे ओओपी होता है C++ में हो गया, जावा में हो गया, तो ये जावा हो गई, ये बाकी बेसिक लैंग्वेजेस हो गई, फोर्टन, पास्कल वगैरह, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो देखो जो फर्स्ट जनरेशन था ना उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हो जाती थी, जो टू सेकंड जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। तो आंसर हो जाएगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, इसमें बहुत लार्ज वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 का। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस द पीपल ऑफ द कांगो बेसिन। देखो कांगो बेसिन कहाँ है, उसमें आपका अफ्रीका में है, तो ये क्या होगा, नेग्रोइड, नेग्रोइड ही रहते थे, बोलते हैं निग्रो ए निग्रो निग्रो, तो निग्रो कहाँ होंगे भाई, अफ्रीका में। तो कांगो बेसिन में पूछ रहा आपसे। विच ऑफ द कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क। तो आपको पता है चाइना को शार्क में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, चाइना बनना चाहता था लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया। ओके, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेम एलिवेशन ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ज्योग्राफी में आपको सारी बता दूंगा, कंट्यूर बोलते हैं। ठीक है, कंट्यूर होता है। इन विच द स्टेट यूनियन टेरी इंडिया आर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का है सबको पता होगा, अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट था। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इंडिया के जो मेन लैंड है ना, मेन लैंड उसका जो सबसे अंतिम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, केप कॉमरिन, केप कॉमरिन। ठीक है, याद रखना। और ये अगर हम इंडिया का पूछें तो ये अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में, आप लोग देख लीजिए, पॉज कर लीजिएगा। द गल्फ स्ट्रीम मूव अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में बहती है, देखो ये अमेरिका हो गया आपका और ये इधर हो गया, गल्फ कंट्री ये है। ठीक है ना, नोन एज द, इसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम इसे, इसको क्या बोलते हैं जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है, जो इसको और क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आपसे दूसरा नाम पूछ। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशन में बहती है, तो ये अटलांटिक हो गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होगा, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाउ मेनी 8 बिट, 8 बिट में कितने होंगे, तो आपको याद रखना है कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 8 पूछ रहा है। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, तो आंसर इज 256 बिट। विच टाइल इज द एक्सटेंशन, जो होता है एक्सटेंशन टाइप कैसे बताता है, आपने देखा ये .mp4 लिखा रहता है, .mp3 लिखा रहता है, .docs लिखा रहता है, .pdf लिखा रहता है, ये क्या है, ये आपको बताते हैं कि कैसे टाइप की फाइल है। ठीक है, तो PDF क्या होगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है ना, इसी तरह बोलते हैं MP3 मल्टीमीडिया प्लेयर। ठीक है ना, तो MP4 ये सब क्या होते हैं, आपके एक्सटेंशन होते हैं, इनको भी हमारी फाइल के बारे में बताता है। What is the basic building block of database that contain related records? जो क्या करता है, record contain करता है, उसे बोलते हैं table. Table में सारी की सारी कहते हैं। ठीक है, और which of the following tools allows you the MS Word to produce multiple letter and label? जो बहुत ज्यादा use करते हैं उसे बोलते हैं mail merge करना, उसको बोलते हैं mail merge करना। ठीक है, अच्छा email से related आपसे दो question पूछ लेता हूँ कि बहुत common पूछा जाता है, एक CC का मतलब क्या होता है और एक BCC का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का मतलब नहीं पता कि किस लिए यूज होते हैं ये मेल में, तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है ना, और कमेंट करके मुझे बताना ताकि मैं आपको समझा पाऊँ पूरे मेल्स के बारे में। कंप्यूटर की क्लासेस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स दिखाएं, कमेंट करें वीडियो के नीचे, ताकि हमें पता चल सके कितने लोग इस वीडियो का फायदा हो रहा है। ठीक है ना, अब 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है ना, 2018 का पेपर लेके आऊंगा जो ARO का, उसको देखेंगे कि वो पेपर कैसे था। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ा कमेंट करके अपने दोस्तों का शेयर करके अपना रिस्पॉन्स दिखाएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।